क्रिसमस दोस्तों हर एक इंसान का एक पसंदीदा फेस्टिवल है। इसमें हम दोस्तों अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को गिफ्ट देते हैं, पर इसकी दोस्तों कुछ बातें हैं जो हम लोगों को अच्छी तरह से नहीं पता है, जैसे क्रिसमस को क्यों बनाया जाता है या फिर सेंटा क्लॉज क्या असलियत में जीसस क्राइस्ट को बोला जाता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको कुछ ऐसे ही बात बताने वाला हूं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आप भी दोस्तों इन फेस्टिवल के पीछे का जो सच है वो जान पाओ और कोई वहम में ना रहो। फर्स्ट, क्रिसमस को क्यों बनाया जाता है। तो दोस्तों जितने भी लोगों को ये लगता है कि इस दिन जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था वो आधी तरह से सही है और आधी तरह से गलत है, और वो मैं बताता हूँ दोस्तों कैसे। जब दोस्तों जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, जो कि माना जाता है कि 4th और 6th BC के बीच में उनका जन्म हुआ था, तो उससे भी दोस्तों कई सालों पहले जो यूरोपियंस होते थे वो अंधेरी जो विंटर की रातें होती थी उसमें वो रोशनी और बर्थ के लिए सेलिब्रेट किया करते थे। और ऐसे ही दोस्तों जो स्कैंडिनेविया होता था, आज के टाइम पे दोस्तों डेनमार्क, नॉर्वे और जो स्वीडन है उनको मिला के पहले स्कैंडिनेविया बोला जाता था, मतलब वो एक किंगडम में थे। तो वहाँ पे जो लोग हुआ करते थे वो 21 दिसंबर से जनवरी तक एक फेस्टिवल बनाया करते थे जिसका नाम था यूल। इस फेस्टिवल में दोस्तों जो उनके गॉड हुआ करते थे ओडिन, उनकी पूजा करी जाती थी। इस फेस्टिवल में दोस्तों जो लोग होते थे वो रिटर्न ऑफ द सन, क्योंकि दोस्तों जब बहुत ज्यादा सर्दी के बाद जो सूरज लौट के आता है तो उसकी खुशी में मनाए जाते थे। और इस फेस्टिवल में जो बच्चे होते थे और उनके जो पिता होते थे वो बड़े बड़े लकड़ियों के लॉक्स लाया करते थे जिनको जो फैमिली होती थी वो जलाती थी, और ऐसे ही ये सेलिब्रेट हुआ करता था। और ऐसे ही दोस्तों रोम में भी मनाया जाता था सैटर्निला, जो कि सैटर्न के ओनर में मनाया जाता था, जो वहाँ के लोग थे वो इन्हें गॉड ऑफ एग्रीकल्चर मानते थे। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि जो ये 25 दिसंबर है, क्या असलियत में इस दिन जीसस क्राइस्ट बोर्न हुए थे, और अगर आप ये मानते हैं तो आप आधे ठीक और आधे गलत कैसे हुए। असलियत में दोस्तों 25 दिसंबर को जो मेन हॉलीडे हुआ करती थी वो ईस्टर के लिए हुआ करती थी, जो खुद में ही एक फेस्टिवल है। उस टाइम दोस्तों जो जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था उसके लिए 25 दिसंबर को सेलिब्रेट नहीं किया जाता था, पर दोस्तों जो 4th सेंचुरी थी वहाँ के जो चर्च ऑफिशियल्स थे उन्होंने जीसस क्राइस्ट की बर्थ को सेलिब्रेट करने के लिए एक डेट मेंशन की, और वो डेट चूज की थी पोप जूलियस वन ने, और उन्होंने 25 दिसंबर को चुना। पर दोस्तों ये कॉमनली माना जाता है कि जो ये 25 दिसंबर की डेट इसलिए चूज की गई थी ताकि जो पगान की सैटर्निला फेस्टिवल है उसके ट्रेडिशन को एडॉप्ट कर लिया जा सके। क्योंकि दोस्तों ये मेरे को भी बताया और आपको भी बताया कि कोई भी जो गॉड हुआ करते थे उनकी जो बर्थ डेट होती थी वो किसी को भी नहीं पता होती थी। इवन दोस्तों उस टाइम तो ये डेट्स भी नहीं हुआ करती थी, इसलिए दोस्तों जो ये चर्च के ऑफिशियल्स हुआ करते थे इनको ये जो डेट हुआ करती थी ये चूज करनी पड़ती थी। और मैं वैसे दोस्तों बता दूं कि जो जीसस क्राइस्ट का जन्म था वो एक स्टेबल में हुआ था, और कुछ लोग तो दोस्तों ये भी मानते हैं कि जो जीसस क्राइस्ट का जन्म था वो स्प्रिंग सीजन में हुआ था। सेकंड, अब आते हैं दोस्तों सेंटा क्लॉज पे। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि सेंटा क्लॉज जीसस क्राइस्ट हैं तो आप दोस्तों बिल्कुल ही गलत हैं। दरअसल दोस्तों सेंटा क्लॉज सेंट निकोलस को बोला जाता है, जो कि टर्की में पैदा हुए थे। और उसका भी रीजन ये है दोस्तों कि जो सेंट निकोलस थे वो अपनी सारी की सारी जो जायदाद थी वो गरीब और बीमार लोगों को दे दिया करते थे और हमेशा ट्रैवल करते रहते थे, इसलिए दोस्तों उन्हें प्रोटेक्टर ऑफ चिल्ड्रन एंड सेलर्स के नाम से जाना जाने लगा। उसके बाद दोस्तों जब सेंट निकोलस अमेरिकन पॉपुलर कल्चर में आए 18th सेंचुरी में न्यूयॉर्क में, तो जो ड्यूच फैमिलीज होती थी, मतलब जो जर्मन फैमिलीज होती थी, वो इकट्ठी होती थी जब सेंट निकोलस की डेथ हुई थी उनके ओनर में। और दोस्तों जर्मन में जो सेंट निकोलस है उसको बोला जाता है सिंटर क्लास, और उसी से नाम पड़ गया सेंटा क्लॉज। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो सेंटा क्लॉज है वो कोई और ही आदमी था, और ये कोई मनगढ़ंत आदमी नहीं था, ये एक रियल लाइफ स्टोरी है, और जो भी उनके पास था वो सब कुछ दे देते थे। इसलिए दोस्तों ये माना जाता है कि जो सेंटा क्लॉज है वो क्रिसमस ईव को गिफ्ट देते हैं। थर्ड, तो दोस्तों 1659 से लेके 1681 तक एक बार क्रिसमस कैंसिल हो गया था बोस्टन में, और ये आउटलॉड हो गया था, मतलब ये गुनाह हो गया था अगर आप क्रिसमस मनाते हो। और जो लॉ ब्रेकर्स थे, मतलब जो फिर भी क्रिसमस मनाते थे, उनको 5 शिलिंग्स देनी पड़ती थी, जो कि इक्विवेलेंट होती है 3 रुपए के। पर दोस्तों ये 1650 की बात चल रही है, 2020 की बात नहीं चल रही है, इसलिए उस टाइम ये बहुत ज्यादा रुपए होते थे। फोर्थ, तो दोस्तों आप चार्ल्स डिकेंस को तो जानते ही होंगे, जो कि अपने टाइम के बहुत फेमस ऑथर थे। तो उन्होंने दोस्तों एक क्रिसमस कैरोल बनाई है जिसके 5 चैप्टर्स हैं। हर चैप्टर का नाम शुरुआत होता है दोस्तों स्टेव से, जैसे स्टेव 1, स्टेव 2, स्टेव 3, स्टेव 4, स्टेव 5। और अगर दोस्तों आपको ये क्रिसमस कैरोल सुननी है, मतलब स्टोरी सुननी है, तो कमेंट जरूर करना ताकि मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊं, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही मजेदार और अमेजिंग स्टोरी है।
तो आज की वीडियो में बस इतना है दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाता रहूं। तो मिलते हैं दोस्तों मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।